ऐसा नेता है कि जो पूरे देश का नेता बनने की, नेता है ही पूरे देश का, लेकिन हम चाहते हैं कि कन्हैया कुमार हमारा भाई, आपके बेगूसराय का बेटा, गरीब का बेटा एक दिन प्रधानमंत्री बने देश का। अभी प्रधानमंत्री कौन है जानते हैं आप? कौन है प्रधानमंत्री? मोदी। मोदी है प्रधानमंत्री। क्या वो अच्छा आदमी है? ना, 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 ना। तो उसको बदलना है ना? तो कौन बदलेगा? जिसने पिछले चार साल में मोदी के खिलाफ आवाज उठाई वो कौन है? कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार जिसने मोदी सरकार को आईना दिखाया, यानी आईना आपको सही सही बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, देखो अपनी शक्ल देखो। मोदी सरकार को उसकी असली शक्ल दिखाई, आईना दिखाया, वो है कन्हैया कुमार, जिसने हमारी मजलूमों की, गरीबों की, सत्ता के सताए हुए लोगों की आवाज उठाई, वो है कन्हैया कुमार। तो आप लोगों को, मैं आप लोगों से वोट नहीं मांगूंगी, मैं आप लोगों को बधाई दूंगी, मैं आप लोगों को बधाई देती हूँ। आपकी खुशनसीबी है कि आपको एक ऐसा नेता मिला है जिसको वोट देते वक्त दिल को एक खुशी हो, अपना दिल गवाही दे कि हाँ सही जगह वोट दे रहे हैं, जो मेरे वोट का हकदार है उसको वोट दे रहे हैं, ऐसा नेता आप लोगों को मिला है। तो आप लोगों को इस चीज की पहले तो शुभकामनाएं, आपको बधाई कि आपको एक ऐसा नेता मिला है जिसको वोट देते वक्त जिसको वोट देते वक्त शर्म नहीं महसूस हो, जिसको वोट देते वक्त ऐसा नहीं लगे कि मैं अपने जमीर से, अपनी कौम से, अपने गरीबों से बेवफाई कर रही हूँ, जिसको वोट देते वक्त ऐसा नहीं लगे कि हम किसी कातिल, किसी चोर, किसी क्रिमिनल को वोट दे रहे हैं, ऐसा एक नेता अल्लाह ताला ने आपके पास में भेजा है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई इस चीज की। और 29 तारीख को मैं खासकर अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ, 29 तारीख को आप टोली बना करके, देखो बाकी नेताओं के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, हेलीकॉप्टर है ना, बाकी जो नेता है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, आपको बोलेंगे भाजपा के लिए वोट दे दो, कमल के लिए वोट दे दो, आएंगे ना बड़ी बड़ी गाड़ियों में आएंगे। हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं है, हमारे पास आपकी ताकत है, लोगों की ताकत है, लोगों का साथ है, माओं का आशीर्वाद है हमारे पास। तो आप लोग, मेरी बहने, आप लोग चुनाव के दिन टोली बना करके निकलिए और सारी अपनी बहनों को वोट देने के लिए निकालिए अपने साथ में। आजकल कटाई की सीजन चल रही है, कटाई का मौसम चल रहा है आजकल, तो हसुआ बाली गेहूं, हसुआ गेहूं का बाली जो है, जो हमारा निशान है, उस निशान को देखकर, कन्हैया कुमार की फोटो देखकर, नाम उनका हिंदी में लिखा रहेगा जो पहला नंबर है। और देखिए आप अल्लाह की करनी देखिए, जो मशीन है उस पर भी पहला नंबर हमारे भाई का ही है, उस पर भी वो नंबर वाले। तो चुनाव में आज इस तरह के लोग उतर गए हैं जैसे अमित शाह को आप जाते हैं, मोदी का दाहिना हाथ है, मोदी के जो सारे दो नंबरी काम है वो अमित शाह करते हैं, इस तरह का आदमी है। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष वो आज बेगूसराय में है, भाजपा का सबसे बड़ा नेता, इन क्रिमिनलों का सबसे बड़ा नेता आज बेगूसराय में है और वोट मांग रहा है अपने कैंडिडेट के लिए, उसको इतना डर लग गया। आप खुद सोचिए, अमित शाह का आना मतलब मोदी का खुद आना, आप समझ लीजिए मोदी खुद बेगूसराय में प्रचार में उतर गए। क्यों? क्योंकि कन्हैया कुमार चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए उतर गए हैं वो लोग खुद प्रचार में। तो हमारा कैंडिडेट चुनाव जीत रहा है, उसके हाथों को और मजबूत कीजिए। हम आपको ये नहीं बताएंगे कि कन्हैया को जिताइए, कन्हैया जीत चुके हैं, लेकिन अब बस इतना है कि उनको हमको बड़े मार्जिन से जिताना है, ताकि मोदी सरकार के मुंह पे एक कड़ा तमाचा मार के आ जाए बेगूसराय की घोषणा। सिर्फ जिताना नहीं है, जीत तो इंसान एक भी वोट से सकता है। अगर आप चुनाव लड़ रही हो, मैं चुनाव लड़ रही हूँ, आपको 20 वोट मिले, मेरे को 21 वोट मिले,
तब भी जीत गए। एक वोट से नहीं जिताना है, कम से कम 3 लाख वोट से हम लोगों को जिताना है कन्हैया कुमार को। 3 लाख वोट का मार्जिन होना चाहिए। हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। कई लोग हमारे बीच में अफवाह फैलाने आएंगे, अफवाहबाजी करेंगे, झूठी बातें बोलेंगे कन्हैया के बारे में। उनको जो है उनको टाइम पास करने दीजिए, हम लोग अपना काम करें। कन्हैया कुमार सिर्फ बेगूसराय का नेता नहीं है, देश का नेता है, पूरे विश्व में। अभी तो वो बाहर गए नहीं है हिंदुस्तान से, लेकिन हिंदुस्तान से जब वो बाहर जाएंगे, अमेरिका में उनको लोग मानते हैं, कनाडा में लोग उनको मानते हैं, इंग्लिस्तान में उनको लोग मानते हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया था, जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया था, आज उनके देश में हमारे हिंदुस्तानी भाई काम करते हैं। आज इंग्लिस्तान में हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन काम करते हैं। वो लोग वहां से जो है अपनी बधाई भेज रहे हैं, अपनी दुआएं भेज रहे हैं, अपना आशीर्वाद भेज रहे हैं। पूरी दुनिया की नजर आज बेगूसराय के ऊपर है। और मैं जाते वक्त सिर्फ एक बात जो पैसे, जैसे अजान हो गई है हम लोग खत्म कर लेते हैं, पैसे वाला रोज नेता बनता है, लेकिन आप ये मिसाल कायम कीजिए कि जो गरीब का बेटा है, गरीब का जो लड़का है, वो भी नेता बन सकता है। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।